समाज अपराधी आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। मानवीय संवेदना को तार तार कर देने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर कस्बे में एक बहुत ही मानवीय संवेदना को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला और उसके पति का जब कोरोना काल की इस महामारी में रोजगार छिन गया तो मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। किराया नहीं देने पर यह महिला नगर पंचायत के शौचालय में रह रही है। काफी दिनों से यह महिला नगर पंचायत के शौचालय में रह रही है। क्या है उसकी मुश्किल और क्या उठाया है प्रशासन ने कदम, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यह है देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और सो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर कस्बे की तस्वीर। जी हां दोस्तों, यह एक महिला जो शौचालय के बाहर बैठे खाना बना रही है, यह सृजखानी की है, गुलिस्ता इसका नाम है और 10 वर्ष की पुत्री और अपने पति के साथ यह शौचालय पर खाना बना रही है और यहीं रह रही है। काफ़ी दिनों से इस महिला को निकाल दिया है मकान मालिक ने। कोरोना काल के चलते रोजगार छिन गया है और कहीं भी काम धंधा नहीं मिला तो मानसिक स्थिति इसकी बिगड़ गई और इस महिला ने इस शौचालय को ही अपना आशियाने बना लिया। अब देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से इस महिला को दुत्कारा जा रहा है, शौचालय पर भी इस महिला को दुत्कारा जा रहा है। नगर पंचायत बिलासपुर का यह शौचालय है जहां पर यह महिला खाना बना रही है, लेकिन यहां भी इसको टिकने नहीं दिया जा रहा। क्या है इसकी बेबसी और लाचारी, देखें आप, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। मानवीय संवेदना एकदम तार तार हो गई हैं, कोई सामने नहीं आया है समाज से भी, और ढिंढोरा पीटने वाली योजनाएं सब इसके लिए बेमानी साबित हो रही हैं। आखिर क्या कसूर है इस महिला का, रोजगार छिन गया तो हालत मकान मालिक ने यह बना दी कि इसको शौचालय में रहना पड़ा। शौचालय में बना यह आशियाना उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहा है। भले पूरे बिलासपुर कस्बे में कोई भी समाज से भी इस महिला की मदद के लिए सामने नहीं आया, यह महिला अपने हाल पर आंसू बहा रही है और अपनी दुर्दशा पर रोना रो रही है। यह शौचालय नगर पंचायत बिलासपुर का है, इसके चलते नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विनय पांडे इस महिला को नारी निकेतन भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल की इस महामारी के दौरान दोस्तों रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल आप सभी से अपील करता है कि ऐसी बेबस, बेसहारा और असहाय लोगों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ने चाहिए। यदि आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर और अल्लाह आपकी मदद करेगा। दोस्तों यह बेबसी और लाचारी का दौर है, आप संयम से काम लें, दूसरों की मदद करें। यदि समाज और राजनीति से जुड़े लोग ऐसे बेसहारा लोगों की मदद को सामने आए तो ऐसे दृश्य और तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिल सकती। दोस्तों आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। हम आपसे पुनः अपील करते हैं इस तरह के लोगों की मदद के लिए सामने आएं और अपना बचाव करें। कोरोना महामारी के दौर में सरकारी नियम निर्देशों का पालन करें, साथ में ऐसे लोगों की भी मदद करें जो भूखे पेट सो रहे हैं, जो बेसहारा हैं और जिनके लिए घर नहीं है रात्रि को ठहरने के लिए। Thank you.